सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे 1 इंच कॉइन के बारे में। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था 1 इंच की क्या फ्यूचर हमें देखने को मिल सकती है, क्या 1 इंच पे इन्वेस्ट करना सही है। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या फिर नहीं, और साथ में किस प्राइस में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकली भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि क्या आगे का फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखना जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इसी में यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे मैं यहाँ पे कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और साथ में बहुत सारे जो मार्केट के अपडेट होते हैं वो सारा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको नहीं बता सकता। तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखना, जहाँ पर जो भी कॉल्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, वो आपको जानकारी मिलती रहे। तो बेसिकली 1 इंच के बारे में यहाँ पे बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये काफ़ी अच्छा लोगों को प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर बात करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पे आप इथेरियम के टोकन को, बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन को आप यहाँ पर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। फिलहाल इसके ऑल टाइम हाई के बारे में यहाँ पे बात करें तो लगभग $7.5 का इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया है और अभी इसकी प्राइस चल रही है 2.48। अब उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये लगभग आपको 3 मतलब काफ़ी कम प्राइस में ये आपको अभी मिल रही है। और टेक्निकली भी मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, जो आने वाले टाइम पर आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो $447 मिलियन का यहाँ पे मार्केट कैप है। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये एक प्रोजेक्टेबल कॉइन है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत जल्द अगर इसकी मार्केट कैप 0.5 बिलियन भी, मतलब हाफ बिलियन भी इसकी बनती है, तो यहाँ पर आपको 3x 4x तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर सप्लाई अगर आप देखोगे तो 1.5 बिलियन का सप्लाई है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। BNB का भी सप्लाई अगर आप देखोगे तो 2 बिलियन की थी, जो कि धीरे धीरे घटकर बंद होते हुए लगभग 1.8 बिलियन का अभी भी वहाँ पे सप्लाई है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 इंच काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज है और काफ़ी लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। अगर पैनकेक स्वैप आपने देखा होगा, पैनकेक स्वैप में बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने टोकन को बाई सेल करते हैं, तो ठीक इसी तरह से 1 इंच पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसे यूज करते हैं। अगर इसकी कम्युनिटी आप देखना चाहें तो लगभग 2,46,000 का ट्विटर कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब आप समझ सकते हो कि कम्युनिटी भी काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग यहाँ आपको देखने को मिल रही है। ट्विटर में इसकी एक्टिविटी आप देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहती है। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसके ट्विटर अकाउंट को यहाँ पर चेक करेंगे तो बहुत सारे पार्टनरशिप हो या फिर कुछ भी जो नए इवेंट्स होते हैं वो सारा यहाँ पर ट्विटर पर यहाँ पर अपडेट करती है। कौन कौन से एक्सचेंज पे आप इसे बाय यहाँ पे कर सकते हैं तो मैं आपको बताऊँ, ये बेसिकली बहुत सारे एक्सचेंज पे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बाइनेंस हो, होबी हो, कुकॉइन हो, बहुत सारे एक्सचेंज पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, CoinDCX, BitBNS, JetPay वगैरह जितने भी इंडियन एक्सचेंज हैं उन सब में भी ये आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी ट्रस्टेबल कॉइन है और आने वाले टाइम पे ये आपको बढ़िया प्रॉफिट देगी, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम टेक्निकली यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली अभी फिलहाल 2.49 का एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है और इस रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करें तो इजीली ये इसे ब्रेकआउट कर सकती है, जो कि यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। अब ये अगर इसे ब्रेकआउट करती है तो जो नेक्स्ट टारगेट इसका यहाँ पर बनेगा वो कम से कम $3 का यहाँ पर बन सकती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टारगेट के बारे में यहाँ पर बात करें तो $3.4 का आप नेक्स्ट टारगेट बना सकते हो, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यह बात करें तो ये काफ़ी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्टेबल है और काफी बढ़िया ये टोकन है। तो चाहो तो आप इस कॉइन को यहां पे बाय कर सकते हो, इस प्राइस में भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसका ऑल टाइम हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया $7.5 का लगभग इसने ऑल टाइम हाई यहां पे बनाया है, उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो काफी डाउन पे ये आपको देखने को मिल रही। अब थोड़ा सा अगर एग्जांपल आप यहाँ पर केक का लेते हो तो केक $10-12 से शुरू हुई थी और लगभग $44 का इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिया है। तो उस हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी फ्यूचर प्राइस अगर आप यहां पे रखते हो तो लगभग 2021 एंडिंग तक में ये कम से कम आपको $20 से $22 तक में आपको देखने को मिलेंगे।
अब ये डिपेंड करता है BTC के प्राइस के ऊपर, BTC में कैसा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। BTC के फिलहाल हम कंडीशन देखें तो BTC एक बुलिश मोमेंट पे हमें देखने को मिल रही है, और जो रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो लगभग से लगभग आपको 44,000 में छोटा सा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद 47 से 48,000 जो कि मैं काफ़ी टाइम्स आपको बता रहा हूँ, यही एक बड़ी रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसे ब्रेकआउट करती है तो BTC बुलिश यहाँ पर आप देख सकते हो, और BTC बुलिश होने के बाद 1 इंच भी आपको अच्छा खासा बुलिश आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन पे पैसे अगर आप बिटकॉइन पे लगाते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले अगर आप देखो तो बिटकॉइन में अगर थोड़ी सी भी हलचल यहाँ हमें देखने को मिलती है तो जो इस तरह के ऑल्टकॉइन होते हैं वो कम से कम 2x 3x तक का देखने को आपको मिल जाता है। उस हिसाब से अगर आप देखो तो बिटकॉइन जैसे जैसे यहाँ पर भागना शुरू होगी तो यहाँ पर 1 इंच में भी काफ़ी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर पे इसकी जो ऑल टाइम हाई है ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के इन्वेस्टर हो तो आप इस तरह के कॉइन पे जरूर इन्वेस्ट करना। 2-3 साल के बाद ये कम से कम अगर 2 साल 3 साल के बाद अगर आप इसे देखो तो मेरे हिसाब से आपको 10 से लेकर 20x तक का इजीली प्रॉफिट ये आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरे के पूरे ब्रेकआउट के इंडिकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, तो लगभग चांसेस है 2.48 में ये यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, और इसकी जो नेक्स्ट टारगेट होगी वो कम से कम $3 तक का आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हो। और बाइंग प्राइस के बारे में बात करें, अगर मार्केट किसी कंडीशन से किसी कारण से थोड़ा सा डाउन आती है तो आप इसे लगभग 2.26 में आप इसे बाय कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो लगभग $2 में भी आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो। तो अगर किसी कारण से मार्केट यहाँ पर रिवर्स आती है तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। और अगर आपने इसे ऑलरेडी ऑल टाइम मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई में इसे बाय किया है तो मेरे हिसाब से आप इसको बिल्कुल सेल ना करना, क्योंकि एक से अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई में भी आप बाय किए हो तो 2 से 3 महीने के अंदर में ये पूरे चांस से कि ये रिकवर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी अपडेट हो वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।